नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज हम इस वीडियो में जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो अपकमिंग एग्जामिनेशन मेंस का होने वाला है, इसके सिलेबस को डिस्कस करते हुए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उस रिगार्डिंग का क्वेश्चन जो हैं और हाउ वी हैव टू राइट द आंसर इन इफेक्टिव वे, हाउ वी कैन राइट द आंसर इफेक्टिवली, इस रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग को मालूम है, जेपीएससी मेंस का जो सिलेबस है इसमें कुल मिला के सिक्स जेपीएससी है, इसमें टोटल 6 पेपर हैं। 6 पेपर में आज मैं इस वीडियो में 6th पेपर को डिस्कस करना चाह रहा हूँ और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो नेक्स्ट मेरा जो अपकमिंग वीडियो रहेगा उसमें मैं सिलेबस को ही बेसिकली स्पेसिफाई करेंगे, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, किस सिलेबस से कि किस पेपर में क्या वेटेज दिया गया है उससे रिगार्डिंग। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर 5 एंड पेपर 6, ये 6 पेपर होना है। सबका अलग अलग मार्किंग स्कीम है, बट अभी हम पेपर 6 के लिए डिस्कस करते हैं। तो पेपर 6 में सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास, इस पेपर को लिया गया है पेपर 6 में। इसमें टोटल 200 मार्क्स का रहता है और टाइम आपको 3 आवर्स दिया जाएगा। मेंस का जो एग्जामिनेशन होना है, इसका क्वेश्चन का पैटर्न जो रहेगा उसके बारे में शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है। ये पैटर्न नहीं रहना है कि टोटल जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे 4 सेक्शन से, समूह ए में भौतिक विज्ञान है, समूह बी में जीव विज्ञान है, समूह सी है कृषि विज्ञान, और 2 सेक्शन और हैं, 5 हैं इसमें टोटल, समूह डी वातावरणीय विज्ञान और समूह ई विज्ञान और तकनीकी विकास यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस पोर्शन से है। तो पैटर्न इसमें, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेंस का एग्जामिनेशन है तो पेपर तो डिस्क्रिप्टिव ही रहना है। अब बात आता है कि डिस्क्रिप्टिव है तो क्या सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है या कुछ और भी पॉसिबिलिटी है, जैसे एमसीक्यू हो गया, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो बेसिकली है डिस्क्रिप्टिव, तो ऑलमोस्ट आपका सारा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव ही रहना चाहिए। एमसीक्यू ना कम पॉसिबिलिटी है कि जो 20 क्वेश्चन बनेगा 2-2 मार्क्स का, जिसको ऑब्जेक्टिव बोला जा रहा है वो भी ऑब्जेक्टिव आपका डिस्क्रिप्टिव में ही होगा, लिखना ही पड़ेगा, 2 मार्क्स का रहेगा एक क्वेश्चन। दैट मीन्स 20 क्वेश्चंस आएंगे, जो खंड 1 करके बनाया गया क्वेश्चन पेपर में बनेगा, 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से वेटेज दिया जाएगा पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल आपका 40 मार्क्स वहीं कवर हो गया। हम लोग को टोटल 200 मार्क्स का पेपर देना है, तो 200 मार्क्स में 40 मार्क्स इसमें आपका खंड 1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से, थ्रू आउट सिलेबस से लिया जाएगा पेपर 6 का। और पेपर 6 का पूरे सिलेबस में क्या क्या है, ये फिजिक्स का पार्ट जो ग्रुप ए में दिया भौतिक विज्ञान, ग्रुप बी में जीव विज्ञान बायोलॉजी, ग्रुप सी में कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस, और जैसा कि हमने बताया ग्रुप डी और ग्रुप ई इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इससे रहेगा ओवरऑल थ्रू आउट सिलेबस से रहेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन रहना, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहना। अब आता खंड 1 हो गया क्वेश्चन का, जो कंपलसरी है, मैंडेट है, यू हैव टू सॉल्व दैट। इसके बाद आता है खंड 2, तो खंड 2 में क्या है, खंड 2 में आपको 5 ग्रुप जो हैं, तो इस पेपर 6 में स्पेशली आपको सभी सेक्शन से यानी ग्रुप ए से, ग्रुप बी से, ग्रुप सी से, ग्रुप डी और ग्रुप ई से, सभी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे इस तरह से ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा, दैट मीन्स 2 क्वेश्चंस का सेट रहेगा, 2 क्वेश्चंस उसमें डाले जाएंगे। जैसे ग्रुप ए है भौतिक विज्ञान, तो ग्रुप ए भौतिक विज्ञान में 2 क्वेश्चंस का सेट डाला जाएगा जिसमें से 1 क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा। अब बात आती है कि जो बनेगा या क्वेश्चन का जो मार्किंग स्कीम रहेगा वो कैसा रह सकता है या फिर क्या रहना चाहिए, क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा।
तो पर क्वेश्चन का वेटेज जैसे यहाँ पे हम लोग देखे 40 मार्क्स हो गया, तो 200 माइनस 40 मार्क्स कर रहे हैं तो 160 मार्क्स बच गया। तो 160 मार्क्स को जो है सो वेटेज जो लेना है वो क्वेश्चन पांच सेक्शन से बनेगा। तो पांचों सेक्शंस को इक्वल वेटेज देते हुए 32 मार्क्स का, यानी 32 मार्क्स का पर ग्रुप से आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा, जिसमें से दो क्वेश्चन का सेट रहेगा, दो क्वेश्चन डाले रहेंगे उसमें जो 32 मार्क्स के रहेंगे। अब रह गया बात, जैसे मान लीजिए ग्रुप ये है, इसमें डाला क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नंबर टू यहाँ पे कोई क्वेश्चन बना दिया और बीच में और दे दिया, या फिर ऑब्लिक किया हुआ रहेगा, नहीं दो में से कोई एक सिलेक्ट करना, तो क्या ये डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर वन या डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर टू क्या 16 मार्क्स का या 32 मार्क्स का रह सकता है? 32 मार्क्स का रह सकता है, दो में से एक अटेम्प्ट करना, तो 32 मार्क्स का ही रहेगा या फिर कोई और पॉसिबिलिटी है? तो 32 मार्क्स का रहे डायरेक्टली, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ऐसा भी रह सकता है, बट ऐसा रहेगा तो आपको मोर देन 500 वर्ड्स एंड 600 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली लिखना होगा इन योर आंसर शीट, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है, बिल्कुल 3-5% पॉसिबिलिटी बनता है, कम ही परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की क्वेश्चन बने, क्योंकि ज़्यादातर जो प्रीवियस ईयर का जो जेपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन का ट्रेड रहा है, ट्रेंड्स रहा है, उस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, 32 मार्क्स का क्वेश्चन डालना है सेक्शन ए से, तो सेक्शन ए में और क्वेश्चन भी ऑप्शनल सेट करना है, तो कोई दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, तो इस केसेस में क्या करेगा, या फिर उसके पास सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी है कि 16 मार्क्स का दो क्वेश्चन बना दे और क्वेश्चन नंबर वन में ए बी कर दे, फिर क्वेश्चन नंबर टू जो बनाएगा उसका उसी पैटर्न पे बनेगा, वो 16 मार्क्स का कर दे, ऐसी पॉसिबिलिटी है ज़्यादा, और नहीं तो फिर क्या कर सकता है, 8x4 कर देगा, ए बी सी डी करके बना देगा, ए बी सी डी बना दिया और 8 8 8 8 कर दिया, टोटल 32 मार्क्स हो जाएगा, उसी तरह सेकंड क्वेश्चन में कर देगा और दो में से फिर कोई एक अटेम्प्ट करना रहेगा, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ऐसा भी कर सकता है कि 32 लेना है तो क्वेश्चन नंबर वन में डाला ये क्वेश्चन डाला 10 मार्क्स, हाँ मार्क्स का जो वेटेज दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग से फिर वर्ड लिमिट्स डिसाइड होगा, जो ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा, बट हाँ फॉर इन्फॉर्मेशन आप इतना समझ सकते हैं, इतना आप जान सकते हैं कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है तो मान के चलिए कम से कम आपको वर्ड्स लिखना होगा तो 300-400 अप्रॉक्सीमेटली, यानी 350 एवरेज मान के चलिए इतना लिखना पड़ सकता है, अगर 16 मार्क्स का है तो मोर देन 350 वर्ड्स लिखना पड़ेगा एंड हार्डली 450 वर्ड, उसके बीच में 400 वर्ड के लमसम आप मान सकते हैं लिखना पड़ सकता है, बट एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो इंस्ट्रक्शन पे रहेगा, व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड लिमिट्स। तो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन डाल दिया, ए बना दिया उसको क्वेश्चन नंबर वन में, फिर बी में डाला उसमें क्वेश्चन बना वो भी 10 मार्क्स का दे दिया, 20 मार्क्स हो गया, और कोई क्वेश्चन ऐसा बना सकता है जो 12 मार्क्स का हो और उसी में दो खंड मिल जाए, 12 मार्क्स का देगा तीसरा क्वेश्चन और उसी में 6-6 मार्क्स का दो खंड दे देगा, या फिर ऐसी ही पॉसिबिलिटी के डायरेक्ट एक क्वेश्चन डाल दें। तो जिस तरह ग्रुप ए में पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी सेम ग्रुप बी में, ग्रुप सी में, ग्रुप डी, ग्रुप ई में, लेकिन सबों से 32 का वेटेज करते हुए क्वेश्चन आपका रहेगा जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये हो गया सिलेबस का प्रीव्यू, और पेपर वाइज अलग अलग सिलेबस का स्ट्रेटजी होगा जो अगले वीडियो में हम पूरा डिटेल सिलेबस के साथ आएंगे। आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे थे और कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कलेक्ट किया हुआ, तो इसलिए आज मैं ये क्वेश्चन का एनालिसिस और क्वेश्चन एक्चुअली किस बैकग्राउंड से रहा है, क्वेश्चन का सिलेबस से क्या एग्जैक्ट रिलेशंस है, इन सब चीज़ों को आज समझते हुए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे इस वीडियो में। बेसिकली आज हम पेपर 6 पे काम करेंगे। तो ये रहा सिलेबस का पैटर्न, आप देखिए क्वेश्चन। देखिए मित्रों इसमें क्या है कि ये जो मैं क्वेश्चन कलेक्ट किया हूँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, बस तो बस क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग्स है वो कैसे होना चाहिए एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग और कौन कौन सा क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये चीज़ को जान लेना जरूरी है बिफोर प्रिपरेशन, ताकि उस क्वेश्चन के आंसर में सिलेबस के डिजायर्ड
एक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पहले मैं जेपीएससी में जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स का वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। बस क्वेश्चन का अब बस ओवरव्यू लीजिए, इसके बाद में फिर इसमें डीप में जाएंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे आंसर राइटिंग करना है और उस क्वेश्चन को उस मटेरियल क्या उसमें रहना चाहिए बेहतर आंसर राइटिंग के लिए, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए विद इन सर्टेन टाइम पीरियड। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है तो आपको समय का भी ख्याल रखना है, वर्ड लिमिट्स का ख्याल रखना है, टाइम का ख्याल रखना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी ये क्वेश्चन आपका समझ लीजिए कि फिजिक्स का ही पार्ट है, फिजिक्स का इन्वायरमेंट दोनों में आ जाता है इन्वायरमेंट में। फिर अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, इस पर भी सवाल पूछा गया और इन सबों पे अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना था, यानी ये अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम आ गया जो पिछला ट्रेड रहा था उसमें डायरेक्ट 20 मार्क्स का पूछा, तो 20 मार्क्स में वर्ड लिमिट डाल दिया अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 और उसी में लिखते रहिए आप। फिर तीसरा है व्याघ्र परियोजना, बाघ से संबंधित जो प्रोजेक्ट चलाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड सवाल था, यानी ये टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन है और इसके आंसर को डिफरेंट आयाम से हमको लिखना पड़ेगा। फिर है जीनोम तकनीक, यानी जीनोम टेक्निक्स का भी क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर 4 में। नंबर 5 में रहा कि स्टेम सेल से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा विज्ञान में इसे किस कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम सेल इन द मेडिकल साइंस, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं इसकी पॉसिबिलिटी बनता है। और जब आप पूरा डिटेल सिलेबस देखेंगे पेपर 6 का तो आपको पता चलेगा कि स्टेम सेल भी डाल रखा हुआ सिलेबस में जो ग्रुप ई में है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में तमाम गांवों में साफ पेयजल की कमी आज भी एक समस्या है, उन कारणों की परीक्षण कीजिए जिसके चलते उपलब्ध पानी ग्रामीण जनमानस के पीने योग्य नहीं रहते, इस संदर्भ में आपका क्या सुझाव है। तो इस क्वेश्चन को कई पार्ट में बांटा गया है, ये आपका इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में लेजर से आप क्या समझते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी, लेजर ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, चिकित्सीय क्षेत्र में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि इसको दो पार्ट में बांटा गया कि लेजर से आप क्या समझते हैं। तो पहले तो आंसर राइटिंग में पहले लेजर से इंट्रोडक्टरी पार्ट देना होगा, फिर इसका व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन मेडिकल साइंस लेजर का इन डिफरेंट सेंस, तो वो चीज़ें आपको डिस्कस करना पड़ेगा, वो वीडियो वाइज हम करते चलेंगे क्वेश्चंस का, आंसर आईटी का जब फ्रेमिंग्स होगा तो उसकी वीडियो में हम लोग करते चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति क्या है, साइंटिफिक साइकोलॉजी, और भारत में जनमानस में इसे विकसित करने हेतु क्या उपाय किए गए, ये क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय जल ग्रिड की अवधारणा को समझाइए, इसके क्या उद्देश्य हैं, जल ग्रिड राष्ट्रीय नेशनल वाटर ग्रिड्स की अवधारणा को समझाना है, इसके क्या उद्देश्य हैं, किस पर्पज से इसको आयोजित किया गया था, इस टर्मिनोलॉजी को पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है कि जैव उर्वरक क्या है, यह रासायनिक उर्वरक की तुलना में किस प्रकार अधिक उपयोगी है, ठीक है। इसके बाद फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है, भारत के परमाणु कार्यक्रम में इसकी क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए, तो ये क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं जेपीएससी का पहले लिया हूँ, इसके बाद जेपीएससी, क्योंकि बिकॉज जेपीएससी और बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के कई एक सारे सिलेबस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसके कारण वहाँ का भी क्वेश्चन हम उठा के कलेक्ट किए हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शंस के लिए पेपर 6 के लिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जेपीएससी वालों के लिए। तो चलिए मिक्स है, बहुत सारा क्वेश्चन तो जेपीएससी से ही लिया हूँ, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है 44, टोटल 44 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन के आसपास में डिस्कस करेंगे, तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन अभी कोशिश की है कि जेपीएससी वाले फ्रेमिंग से ही है, बाकी कुछ क्वेश्चन बीपीएससी वाले से भी हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इसमें कि सुपर कंप्यूटर के प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं। एक क्वेश्चन यहाँ है, एक पार्ट में ये हो गया। फिर स्वदेश में विकसित किया गया ऐसे कंप्यूटरों का नाम बताइए, तो दो पार्ट्स में किया गया। तो जितने मार्क्स का रहेगा उसके अकॉर्डिंग से हम लोग को वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। बट पहले तो टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सुपर कंप्यूटर, ये तो जानना जरूरी है, तब जाके हम लोग उसको वर्ल्ड लिमिट में फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास का वर्णन कीजिए, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी जुड़ाव कहीं ना कहीं कंप्यूटर से है, तो बहुत सारी सिमिलैरिटी मिल जाएगी आपको आंसर में। बट टू द पॉइंट हम लोग को रहना है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के बारे में बोला है, तो हम लोग को डेवलपमेंट ही दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखिए राष्ट्रीय ई प्रशासन योजना। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15 में है अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक उपग्रह प्रणाली, इसको शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं इनमारसेट, INMARSET, इंटरनेशनल मार्क सामूहिक है MAR। तो ये हो गया सैटेलाइट प्रणाली टेक्नोलॉजी, तो इंटरनेशनल ग्रुप वाइज करके है, इंटरनेशनल सामूहिक उपग्रह प्रणाली, इससे क्वेश्चन पूछा गया। यानी इसमें बेसिकली इनमारसेट इसका शॉर्ट टर्म है, आप इसमें ये चीज़ समझ लीजिए, सामूहिक है तो ये मार्स बोल सकते हैं, मार्स मतलब कलेक्टिव जो होता है, ग्रुप्स जो होता है वो है। तो इसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक उपग्रह प्रणाली में कई एक सारे कंट्री का उपग्रह को लेके वो सिस्टम्स जो डेवलप किया गया है उससे रिलेटेड सवाल था, बेसिक ये। क्वेश्चन नंबर 16 में था जैविक कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेट का क्या उपयोग है इससे सवाल था, ई कॉमर्स, व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स, इस पर भी सवाल है। गुजरने में शॉर्ट में टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है, इस पर बहुत बड़ा सवाल भी बनाया जा सकता है कि आप ई कॉमर्स से क्या समझते हैं, ई कॉमर्स का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, इसकी विवेचना कीजिए, ये भी सवाल बनाया जा सकता है 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 15 मार्क्स का, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 19 है समाज पर कंप्यूटरीकरण का क्या प्रभाव, यानी कंप्यूटर से सोसाइटी पे क्या इसका इंपैक्ट पड़ा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा गया है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत अमेरिका परमाणु समझौता से आप क्या समझते हैं, यानी ये समझिए इंटरनेशनल रिलेशंस को आपका परमाणु समझौते में जोड़ दिया, यानी पॉलिटिकल साइंस की कुछ चीज़ें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हेल्प करेगा, और उसमें हम लोग को टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते हुए काम करना है परमाणु से संबंधित। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 20 ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में मैं लिखा हूँ ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन जो करंट अफेयर का पार्ट है। इसमें देखो ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या हुआ, तो जैसे क्या होता है कि दो कंट्री के बीच में कई एक तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, वो ऑपरेशन आपका मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड हो सकता है, वो ऑपरेशन आपका न्यूक्लियर डिफेंस को लेके हो सकता है, टेक्नोलॉजी को लेके हो सकता है, तो इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया प्रीवियस ईयर्स में, तो इसका भी ध्यान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन जो अपकमिंग 2018 वाली है, इसमें कम से कम तो 2018 में जो ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसको तो करके ही जाना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 22 जैव तकनीक विज्ञान से आप क्या समझते हैं, यानी जैव तकनीक विज्ञान जो है वो क्या रोल प्ले करता है साइंस में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग को जानना है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था देन आफ्टर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्निक से आप क्या समझते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका भी कहीं ना कहीं कंप्यूटराइजेशन से रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 अंतर्राष्ट्रीय गतिशील उपग्रह संस्था का उद्देश्य, क्वेश्चन नंबर 25 में है MATSAT कल्पना वन, के MATSAT कल्पना वन जो है, देखिए MATSAT कल्पना वन। देन आफ्टर गंगा की सफाई से संबंधित सवाल पूछा गया है, फिर देन आफ्टर देखिए ये वाला HIV/AIDS अनुसंधान में भारतीय योगदान की विवेचना कीजिए, इस बीमारी के कारण में बचाव के उपाय पर भी समझाइए। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 27 ये आपका जी ये
एचआईवी एड्स है, तो ये आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यानी जीव विज्ञान वाला क्वेश्चन है, यानी डिजीज डिजीज वाला पार्ट्स में। देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल स्रोतों की चर्चा कीजिए। इसी में कार्बन क्रेडिट को जोड़ दिया कि कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट की भी चर्चा कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया था। इसी को दो पार्ट में बांट दिया, 20 नंबर का पूछ दिया। 29 में है कि पर्यावरण प्रदूषण एवं संबंधित सम्मेलन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है किसी भी एग्जामिनेशन में, जो कमीशन लेवल एग्जामिनेशन है ये पूछता रहता है। अब की बार भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है इसके स्पष्ट सिलेबस, हालांकि तो प्रीवियस ईयर वाले सिलेबस से इस बार का सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया है, बट फिर भी कुछ सिमिलैरिटी जो है उसमें ये वाला क्वेश्चन का सिलेबस में मेंशन है, पर्यावरण प्रदूषण एवं संबंधित सम्मेलन, तो ये चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। फिर न्यूक्लियर एनर्जी भारत अमेरिका नाभिकीय स्वीकृति के परीक्षण कीजिए। देन आफ्टर है डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पर बेस्ट सवाल पूछा गया था। इसका क्या मतलब हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा वाले जो संस्थान हैं उनका डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से किस तरीके से हुआ, इस पे सवाल पूछा जा सकता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट आयाम को लेते हुए उसकी विवेचना करना होगा कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसकी जो स्थापना हुई है उसमें टेक्नोलॉजी क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। देन आफ्टर पेड़ पौधों से, देखिए एनवायरमेंट का सवाल है कि पेड़ पौधों से कौन सी दवाइयाँ निकलती है, कंप्यूटर से इसका इसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। देन आफ्टर एट 33 में कि दूरदर्शन या पत्र व्यवहार के माध्यम से होने वाले कौन कौन से अध्ययन हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि में व्यवहार होने वाले उर्वरकों, कीटनाशक, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए एमआरआई स्कैनिंग क्या होता है, ये मैग्नेटिक रेजोनेंस से रिलेटेड है, यानी कुल मिला के आप क्या बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है और इसका उपयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है, खासकर कमर के दर्द वगैरह की एग्जैक्ट सिचुएशन पता करने में, और भी कई एक सारे डिजीज होते हैं जिसमें एमआरआई स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो बोन से संबंधित फैक्ट को बाहर निकालने काम करता है मेडिकल साइंस में। मौसम पूर्वानुमान एवं भूकंप अध्ययन के बारे में है जानकारी, ये भी आपका इकोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक्सरे पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अल्ट्रासोनोग्राफी, इसमें से आप समझ लीजिए अभी का जो सिलेबस में है वो अल्ट्रासोनोग्राफी आपका सिलेबस में है, इसमें आप ये समझ सकते हैं कि देखिए ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स है और एक्सरे है ये दोनों पूछा गया है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी अल्ट्रासोनोग्राफी है। अभी मैं अल्ट्रासोनोग्राफी का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा यहाँ पे, ये अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ये यहाँ पे आपका 2018 वाला सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इन द फील्ड ऑफ पावर जनरेशन, यानी नाभिकीय ईंधन का पावर जनरेशन में क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन 39 में है भूगर्भीय जल, यानी जमीन के अंदर जो जल का लेयर्स बना हुआ है उस पर आपको चर्चा करना है। रासायनिक आयुध, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, उपग्रह, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इन सबों पे सवाल पूछा। देखिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो 1 2 3 4 कर दिया, 5 5 5 5 करके बना दिया क्वेश्चन मेरे 20 मार्क्स का। क्लोनिंग, देखो ये जीव विज्ञान का क्वेश्चन है, क्लोनिंग्स होता क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के बारे में सवाल पूछा। डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, शुष्क भूमि खेती क्या होती है, उच्च ताप वाले अति चालकता, हाई टेम्परेचर वाले, सुपर कंडक्टिविटी। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 42 में दूरा संवेदन क्या है, भारत में दूरा संवेदन के लिए स्थिति का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के स्वरूप एवं उद्देश्यों का वर्णन करें, भारत में शिशु मृत्यु रोकने में कहाँ तक सफलता मिली है, टीकाकरण का इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करना होगा। देन आफ्टर 44 में है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या है और बायोगैस टेक्नोलॉजी,
इस पे सवाल पूछा जा चुका है, बायोगैस टेक्नोलॉजी इस पे सवाल पूछा जा चुका है। तो ये सब कलेक्शंस था क्वेश्चन का जो बीपीएससी और जेपीएससी का मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर से पूछा गया था। अब इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जितने सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, पहले क्वेश्चन का तो माइंडसेट समझिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है और क्वेश्चन किस तरह से पूछने की पॉसिबिलिटी है। और जब इसको कंपेयर करेंगे विद द सिलेबस तो हम पाएंगे यही कि अभी हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें से प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस में फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं। इसका मतलब इससे क्लियर है कि पहले वाले सिलेबस में फिजिक्स का सिलेबस का पार्ट जोड़ा नहीं होगा, तब फिजिक्स तो अभी तो हम लोग को फोकस करना पड़ेगा। यानी इतना क्वेश्चन को शॉर्ट में डिस्कस करते हुए या फिर चाहे जैसे भी डिस्कस करते हुए फिजिक्स की भी डेप्थ नॉलेज हम लोग को लेके जाना है एग्जामिनेशन में, जहाँ से टोटल आपका 40 मार्क्स एटलीस्ट रहेगा। 40 मार्क्स क्यों रहेगा, 32 मार्क्स का आपका फुल डिस्क्रिप्टिव हो गया, जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे 6 से 8 नंबर का वो हो गया आपका मिला के 40 मार्क्स। सेम पैटर्न में सभी सेक्शन में होगा 40 40 40 40 मल्टीप्लाई बाई 5 200। तो हमने जो क्वेश्चन देखा इसमें से इसका बहुत सारा क्वेश्चन नहीं था, बस 3 या 4 सवाल था। जैसे एक ही क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया जो अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी ये प्योर समझिए तो फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, हालांकि इसको हम लोग टेक्नोलॉजी में भी जोड़ के देखेंगे, तो है तो फिजिक्स का ही पार्ट। भले इसका इम्पोर्टेंस या इसके आंसर आईडी को बेटर स्ट्रेटजी देने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करें, दैट्स अनदर थिंग, बट इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये फिजिक्स में ही जोड़ के हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें और भी सारे जो पॉइंट्स हैं, जैसे देखिए आपको मास एंड वेट से डिफ्रेंशिएट करते हुए सवाल पूछा जा सकता है, बल की परिभाषा पूछा जा सकता है, वर्क एनर्जी पावर जिसको कार्य शक्ति ऊर्जा बोलते हैं उसे सवाल पूछा जा सकता है, फिर सोलर सिस्टम से किसी भी तरह का सवाल आ सकता है, सोलर सिस्टम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकती है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट जोड़ा है ये साउंड का है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स हैं, टाइप्स ऑफ साउंड, उसके नेचर लॉन्ग, फिर आपका आता है फ्रीक्वेंसी हो गया, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, इन सबों से सवाल बनाया जा सकता है, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा और सब्जेक्टिव। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ड जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा वो भी करवाएंगे, अपकमिंग सीरीज ही अब चलेगा जेपीएससी का, तो इसमें पार्ट बाय पार्ट कराते चलेंगे। तो यानी कुल मिला के आप ये समझिए कि अभी फिजिक्स का तो बहुत सारा क्वेश्चन इसमें नहीं था जो प्रीवियस ईयर का सेट हमने डिस्कस किया, तो ओवरऑल क्लू आप जब निकालेंगे, देखिए आपका जो ई ग्रुप्स हैं विज्ञान एवं तकनीकी विकास, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से ही पूछा गया, तो बट पहले का जो सिलेबस रहा होगा उसमें इसका वेटेज ज़्यादा था, उस तरह का फ्रेमिंग किया गया था तो वहाँ से सवाल रहा। फिर इन देन रेशियो अगर बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस, तो इन्वायरमेंटल साइंस से भी सवाल हमने देखा, जीव विज्ञान से भी सवाल देखा, बट बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं कृषि विज्ञान से भी हैं। बट आपको यहाँ जानना ये है कि कृषि विज्ञान का सवाल जो भी इसमें रहा है वो नेशनल इशू का रहा है, इंडिया लेवल की चीज़ें रही है, और उसका रिलेशंस अगर इंटरनेशनल से जोड़ पाए तो बेटर है, कुल मिला के नेशनल इंटरनेशनल की बात है। बट क्योंकि जेपीएससी है तो यहाँ क्या किया गया, ग्रुप सी में कृषि विज्ञान में टोटली सिलेबस को सिंथेटिवाइज्ड करके इसमें लाया गया है झारखंड पे। सिंपली आप बोल सकते हैं कि कृषि विज्ञान में 80% सिलेबस झारखंड का ही है, यानी झारखंड के जलवायु प्रदेश के बारे में जानना, झारखंड में जो वर्षा होती है उसका क्या प्रारूप है, फिर झारखंड में डिफरेंट टाइप्स का जो फसल उगाया जाता है उसमें टाइप्स ऑफ फसल्स होगी, किस किस तरह के फसल्स हैं, फिर उस फसल में जो उपयोग होने वाले उर्वरक्स हैं उसकी क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, फसलों के विविधीकरण से संबंधित सवाल, पोषण सुरक्षा, फिर झारखंड में मृदा उर्वरता की स्थिति क्या है, नाइट्रोजन बैक्टीरिया से संबंधित सवाल है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया से संबंधित सवाल है, और कृषि वानिकी। तो मुझे तो सारा क्वेश्चन तो आपका 80-85% झारखंड का ही है, उस क्वेश्चन को आप नेशनल इशू के साथ जोड़ सकते हैं इस सेक्शन का साथ में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल इसमें बनेगा वो झारखंड सरकार के द्वारा किसानों के लिए कौन कौन सी लाभकारी
सरकारी योजनाएं चलाई गई है जहां से एकदम सॉलिड जाएगा तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन बना देगा। कोई दूसरा पार्ट्स में डाल दिया 16 मार्क्स का और उसमें क्वेश्चन का सीरियल नंबर करके एक ऑप्शन भी बना दिया तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। यानी राज्य के किसानों के लिए लाभदायी सरकारी योजनाएं, तो इन सब पे वीडियो आएगा वन बाय वन। सिलेबस तो बड़ा है बट इसको अगर सही स्ट्रेटजीज हम लोग करेंगे तो ये बिल्कुल लिमिटेड टाइम में बेटर वे में कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये आपको दो चीज़ें अभी ओवरव्यू हमने किया, सिलेबस का एग्जैक्ट पैटर्न फॉर पेपर 6 और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस जो JPSC ने आस्क किया है। तो JPSC तो कुल मिला कभी 4-5 ही एग्जाम लिया है मेंस का, तो इसलिए JPSC में नंबर ऑफ क्वेश्चंस साइंस एंड टेक वाले के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। 8 से 10 क्वेश्चन इसमें JPSC का रहा है, बाकी जो टोटल 45 में हमने डिस्कस करी है उसमें से कुल मिला के 30-35 क्वेश्चन आपका BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन उसका पूछा हुआ भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से मैच करता है तो क्यों ना वो क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो चीज़ें हो गया। अब हम कोई टॉपिक्स ले लेते हैं और उस टॉपिक्स को हम फिर डिस्कस करते हैं ताकि एक क्वेश्चन भी हम लोग का क्लियर हो जाएगा, उससे एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग का भी हम लोग पैटर्न देख लेंगे कि किस तरह से बेटर वे में लिखा जा सकता है। तो सिलेबस की चीज़ें में अभी हमने डिस्कस किया कि अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसे यहाँ पे अभी देख रहे थे अल्ट्रासोनोग्राफी, तो अल्ट्रासोनोग्राफी का ही क्वेश्चन हम करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज़ तो क्लियर है कि अल्ट्रासोनोग्राफी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसको अगर एनालाइज किया जाए इसके नेम को तो अल्ट्रा एक हो गया अल्ट्रा जिसका मतलब ये होता है परा मतलब एक्सेस, सोनोग्राफी सोनो का मतलब कहीं ना कहीं साउंड से है यानी ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली साउंड वाले चैप्टर से उठाया गया और ग्राफ से बना ग्राफी यानी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए जिसमें साउंड का उपयोग करते हुए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की चीज़ें मेडिकल साइंस में निकल उभर के आए तो वो टेक्नोलॉजी कहलाएगा अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसा कि नाम से क्लियर है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जानने से पहले एक छोटा सा टर्म है अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसका जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी का रिलेशन वहाँ पर। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है ये समझ लीजिए, तब इसको समझने के लिए कम से कम आप 3 चीज़ें तो एट ए टाइम समझ लीजिए कि साउंड वेव्स में जो है 3 तरह की जो वेव्स का डिज़ाइन है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो होते हैं वो हियरिंग कैपेसिटी पे है। तो हियरिंग कैपेसिटी पे क्या है, जैसे मैं फ्लो चार्ट आपको बताता हूँ, फ्लो चार्ट से ये चीज़ें आपको बेहतर वे में क्लियर हो जाएंगी। जैसे जब अल्ट्रासाउंड वेव्स के बारे में जानना है तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें, एक फ्लो चार्ट देखें। इस फ्लो चार्ट में देखिए यहाँ पे रहता है ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्ज, जैसा कि आप लोग को मालूम है हर्ट्ज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज हो गए और ये 20 हर्ट्ज है। 3 तरह का इसमें ग्रुप्स बनेगा, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज और बिटवीन 20 एंड 20,000। ये फ्लो चार्ट में आप ये समझिए कि जो एक्सेस वाला पार्ट रहेगा, एक्सेस वाला पार्ट ही कहलाता है अल्ट्रासाउंड। इसका मतलब है प्रास्रय तरंग है,
अल्ट्रासाउंड उसी का नाम है। इसके बाद जो होता है ऑडिएबल्स जो होता है जिसको सुना जा सकता है, अल्ट्रासाउंड को भी सुनना काफ़ी डिफिकल्ट है, इंट्रानाकुलर जो लिमिट में है जो ऑडिएबल साउंड्स हैं, ऑडिएबल साउंड्स जो हैं वो आपका है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। ये वाला जो रेंज है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ का, ये रेंज जो है आपका ऑडिएबल्स होता है, यानी इसको बोलते हैं सुनने वाला रेंज है, यानी इसी साउंड को हम लोग सुना करते हैं। जो भी जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो आप डेफिनेटली आप गैस कर सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी है हमारे साउंड का वो मोर देन ट्वेंटी हर्ट्ज़ होगा, और लेस देन 20,000 हर्ट्ज़ तो बहुत ज़्यादा होगा, कितना होगा 25 हर्ट्ज़, 30 अराउंड, या कभी ज़ोर से बोल दिया तो 32 हर्ट्ज़, यही अप्रोक्सीमेटली डाटा होगा। अब जैसे जैसे इसके रेंज को हम बढ़ाते जाएंगे, अभी कोई इंसान चिल्लाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली, बट वो सुना जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, और फिर होता है लेस देन, इसमें होता है इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज़। तो इंफ्रासोनिक साउंड होता है लेस देन 20 हर्ट्ज़ में। तो ये तीन तरह का आपका चीज़ क्लियर हो गया, बेसिक है, बाकी इन सब चीज़ों से भी आगे हम करेंगे क्लियर। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हो गया, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है ये चीज़ तो क्लियर है आपको, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जान लीजिए कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होता है चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यही रीजन्स होता है कि ये अल्ट्रासाउंड जो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको मालूम है जैसे कोई भी साउंड है तो ट्रेवल करेगा, उसके मीडियम की आवश्यकता होती है, तो जब अल्ट्रासाउंड ट्रेवल्स करता है तो कहीं ना कहीं टकराता है जाके, और वहाँ से फिर क्या है कि वो रिटर्न आता है उसी सोर्स के साथ पास, जिस सोर्स से वो क्रिएट किया गया, कम से कम तो वहाँ तो आएगा जिस सोर्स से क्रिएट किया गया, बाकी और भी जगह जाएंगे उससे हम लोग को मतलब नहीं। तो इससे क्या चमगादड़ लोगों को फ़ायदा मिल जाता है कि चमगादड़ क्रिएट करता अल्ट्रासोनिक वेव्स, और जिसके कारण वो अंधेरे में, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ते समय पेड़ों दीवारों या अन्य वस्तुओं से अपने को टकराने से बचा लेता है। तो उसका स्पष्ट रीज़न ही है कि जैसे वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करते हुए उड़ा, तो जैसे वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आता है तो चमगादड़ को आभास हो जाता है कि ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, या कोई पार्टिकल्स अवेलेबल है जिसके कारण वो चमगादड़ वहाँ पे नहीं जाता और टर्न नहीं लेता। टर्न लेने के कारण उसको पता है कि स्पेस है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, तो यहाँ पे जाने से उसको कोई ऑब्स्टेकल नहीं होता। तो ये बेसिकली आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिक चीज़ है कि चमगादड़, यहाँ से भी सवाल बनाया जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव की चमगादड़ जो है उड़ते समय अंधेरे में भी उड़ रहा है फिर भी वो किसी दीवार से, पेड़ से, या कोई ऑब्स्टेकल से नहीं टकराता है, और इसका क्या एग्जैक्ट रीजन है, सवाल ऐसे बनाया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड वेव्स को लेके सवाल बन सकता है चमगादड़ पे। तो अब हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड एंड सम एप्लीकेशन, दैट मीन्स ये अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी जानने से पहले आप बेसिक चीज़ जान लो, उसी का पार्ट है। इसको लिखेंगे हम लोग कैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होगा उसके काफ़ी रोल्स हैं हमारे डेली लाइफ्स में, और वो रोल्स किस तरह से हो सकता है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आप डालेंगे कि आप फिजिकल इम्पोर्टेंस क्या है, सेकंड डाल सकते हैं केमिकल इम्पोर्टेंस क्या है, देन आफ्टर आप बता सकते हैं कि उसका एग्रीकल्चर और मेडिकल साइंस में क्या इसका इम्पोर्टेंस है। तो पॉइंट वाइज करेंगे तो तीन पॉइंट आपका ऐसे हो गया, फिजिकल, केमिकल और एग्रीकल्चर एंड मेडिकल साइंस, तीन पॉइंट में अब हम लोग उसमें मैटर डालेंगे, फैक्ट डालेंगे। उसके बाद फिर चौथा पॉइंट आप बना सकते हैं कि इसका इंडस्ट्रियल पर्पज़ से क्या उपयोग है, इंडस्ट्री में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इंडस्ट्रियल हो गया, इसके बाद मिसलेनियस एप्लीकेशंस भी होता है, जैसे मिसलेनियस में आप, या फिर इसमें से जो मिसलेनियस में जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसको भी आप मेजर पॉइंट में डाल सकते हैं,
जैसे सोनार एप्लीकेशन, सोनार एप्लीकेशन भी आपका अल्ट्रासोनिक साउंड से, अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड होता है। इन सारी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। और इसका एक जीता जाता उदाहरण आप देख लीजिए, जब वीडियो रिसेंटली हम लोग बना ही रहे हैं तो पटना करंट अफेयर से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। आप एंसर राइटिंग में इस चीज़ को करंट अफेयर से भी जोड़ के आप लिखें, ज़्यादा बेटर होता है। अभी पटना में एक युवक का स्कॉर्पियो से गांधी सेतु जो पटना पुल है वहाँ पे गाड़ी जंप करके रिवर में चला गया, गंगा नदी में चला गया। तो वहाँ जाने पे तो ऑब्वियसली है कि उस वक्त अभी बरसात का मौसम है तो एक चकली तो गारंटी नहीं है कि जहाँ पे गिरा वहीं पे गाड़ी रही, वो कहाँ चला गया, बाकी कैसे, क्या बॉडी कहाँ है, इन सारी चीज़ों को जब एडमिनिस्ट्रेशन पता करने के लिए टीम का फॉर्मेशन किया, एनडीआरएफ वाले आए और आर्मी की भी टीम आई इसको पता करने के लिए, तो हर लोग, आप लोग देखे होंगे न्यूज में रहा है, हर लोगों ने सोनार एप्लीकेशंस को यहाँ पे उपयोग किया। सोनार एप्लीकेशंस को उपयोग करने के हम लोग क्या करते थे कि उनकी जो टीम होती थी वो बोट में बैठ गई, उसकी जो बैलून वाली बोट होती है उसमें बैठने के बाद उन लोग क्या मशीन वहाँ लगा रहता है और उसका जो एक पाइप होता है वो पानी में जाता है और पानी में जाने के बाद वहाँ पे नीचे में चला जाता है, उसको मैक्सिमम डेप्थ तक भेजा जाता है जहाँ तक वो जा सकता है, जब तक कि उससे कोई ऑब्स्टेकल नहीं टकराए। और कार जो उसकी जो स्कॉर्पियो डूबी है उसका पता करने का यही एक तरीका सबसे बेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो अगर कार जहाँ होगी, जहाँ पे स्कॉर्पियो होगी, जैसे ही वो जाएगा तो आपको मालूम है अल्ट्रासाउंड के बेस पे काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम करता है। तो जब अल्ट्रासोनिक वेव्स पे काम कर रहा है तो जैसे पानी में वो पाइप जाएगा और जहाँ ऑब्स्टेकल होगा वहाँ से तुरंत रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा और वही रिफ्लेक्शन जो क्रिएट होगा वो वहाँ मशीन में इंडिकेशंस देगा, सिग्नल्स देगा। अल्ट्रासाउंड्स का ही सबसे सोनार में यूज़ किया जाता है। जैसे सिग्नल्स वहाँ मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि स्कॉर्पियो इसी जगह के आसपास में है, सबसे पहले लोकेशन पता किया जा सकता है। ये सोनार इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है साउंड वेव्स के हेल्प से। अब आइए फिजिकल उपयोग इसका क्या क्या है, देखिए क्या क्या है इसका सोनार वाले का किसका उपयोग से इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स का, कि प्रासरव ध्वनि तरंगें बहुत छोटी होती है जिससे गैस या दर्द की मात्रा बहुत अल्प होने पर भी उसमें ध्वनि का वेग नापा जा सकता है, इसलिए ध्वनि का वेग बहुत से ऐसे गैसों में और दर्वों में निकाले गए जिससे पुरानी विधियों से निकालना असंभव। यानी ये क्या कह रहा है कि फिजिकल एप्लीकेशन में अगर बात करेंगे तो अल्ट्रासाउंड्स जो है इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है और लंबाई छोटी होने के कारण गैस या द्रव की मात्रा बहुत अल्प होने पर भी उसमें ध्वनि का वेग नापा जा सकता है। तो फॉर्मूला लगाना उसमें वी इक्वल टू डी बाई टी और डी को कन्वर्ट कर देना वो वेवलेंथ वाले कंसेप्ट से, यानी लैम्बडा, डी के जगह लैम्बडा चला जाता है। यानी ये फॉर्मूला बताते हैं उसमें, उस फॉर्मूला से इसमें उपयोग किया जा सकता है। इसे जो होता है फॉर्मूला वी इक्वल टू डी बाई टी, तो इसमें डी जब हम लोग साउंड वेव में यूज़ कर रहे हैं तो ये लैम्बडा हो जाएगा, टाइम ही हो जाएगा। तो हम लोग को पता करना रहेगा डिस्टेंस यानी लैम्बडा तरंग दैर्ध्य, तो ये वेलोसिटी पता रहेगा, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड है ध्वनि वेगों से गैसों के विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात का मान निकाला जाता है। गामा से फॉर्मूला, ये केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ना था, गामा इक्वल टू सी पी बाई सी वी, तो सी पी बाई सी वी जो फॉर्मूला है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसका उपयोग यहाँ पे अल्ट्रासोनिक साउंड में इस तरह से किया जा सकता है कि ध्वनि वेगों से गैस के विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात का मान निकाला जाता है, गैस के अणुओं की परमाणुता ज्ञात होती है। यानी इसके हेल्प से गैसों के अणुओं के बारे में भी कमेंट किया जा सकता है। फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का मान भी निकाला जा सकता है इसके हेल्प से। चलिए केमिकल यूज देखिए, केमिकल यूज है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हेल्प करता है ये, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या किया, प्रसरव ध्वनि का संचार होने पे, अल्ट्रासोनिक वेव्स का संचार होने पे हाइड्रोजन अलग और सल्फर अलग। इसके विपरीत आप ये भी बोल सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव से रिएक्शंस होता है,
जिससे ऑक्सीडेशन हुआ तो रिडक्शन भी होता है, जैसे मर्क्यूरी क्लोराइड से मर्क्यूरस में बदल जाना। फिर क्या है कि रबर और प्लास्टिक के अणु बहुत ही नेक्स्ट रबर और प्लास्टिक के अणु बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ये छोटे अणुओं के बोलीकरण क्रिया से बनाते हैं, क्रिया प्रसाधन से बहुत ही सरल हो जाते हैं। यानी सिंपली यूँ कहें कि ये केमिकल प्रोसेस में पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होता है, पॉलीमराइजेशन मोनोमर के हेल्प से पॉलीमर बनाया जाता है रिएक्शन करवा के। तो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस है इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अल्ट्रासोनिक वेव्स के हेल्प से ये आपका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस बिल्कुल ईजी हो जाता है। विस्कोसिटी को कम करने में भी इसका उपयोग है। और इमल्सिफिकेशंस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सोच रहे हैं सर इमल्सिफिकेशंस एक्चुअली क्या है कि जो द्रव आपस में नहीं मिलते तो उसको जिस टेक्निक से मिला दिया जाए उसको इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, इमल्सन तैयार करना। जैसे जल और तेल कैसे मिल गया, तेल और पारा जिस वे में मिल रहा है, जिस रेशियो के साथ मिल रहा है, वो टेक्निक्स में हेल्प करता है। कौन? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये दो इंपॉर्टेंस रोल हो गया इसका। यानी डेली लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। थर्ड आता है मेडिकल साइंस में और एग्रीकल्चर में। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जो प्लांट अल्ट्रासोनिक वेव्स उसमें अगर डाल दिया जाता है तो वो तेज़ी से बढ़ते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसको ख़त्म करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं। इवन गठिया रोग का उपचार और मस्तिष्क में ट्यूमर का पता करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग करते हैं। दूध में उपस्थित बैक्टीरिया को मारने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग कर सकते हैं। RBC जो होता है रेड ब्लड सेल, उसकी संख्या बढ़ जाने पे, अगर संख्या उसकी बढ़ जाती है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग कर हम इसकी संख्या को मेंटेन कर सकते हैं, इसको नष्ट किया जा सकता है। अब एक ECG प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इस टेक्निक्स में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके हृदय के विभिन्न भागों से प्रावर्तित कर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस टेक्निक्स में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग होता है। इसमें ECG वाले टेक्निक्स में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग होता है। ECG ये आपका मेडिकल साइंस में यूज होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये आपका मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। इसके बाद है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग जो है ये सबसे पॉपुलर एप्लीकेशंस में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जैसे भ्रूण की जांच करने में, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, तो भ्रूण की जांच जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स के हेल्प से कर लिया जाता है, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। और इसका एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन है मेडिकल साइंस में कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है इसका उपयोग पत्थरी का जो कण होता है उसको तोड़ने में भी, जो गुर्दे की छोटी पत्थरी को तोड़ने में यूज़ किया जाता है। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जब उस पत्थरी को तोड़ देता है तो वो मूत्र के साथ कण की ओर में बाद में बाहर निकल जाता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। देखो घड़ियों के पुर्जों की साफ सफाई करने में तथा वायुयान वगैरह में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग जो है कई बार सर्पिला कार नाली, विषम आकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अव्यय इत्यादि में उपयोग किया जाता है साफ सफाई करने के लिए, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और धातुवी घटों को प्राय बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों, वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं उनकी सूचना प्राध्वनि तरंगों की मदद से प्राप्त की जाती है। यानी कुल मिला के इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का जो उपयोग है ये बिल्कुल टीनी पार्टिकल्स के एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट
सिनेरियो को बताने में उपयोग किया जाता है कि क्या वो जो वहाँ वैकेंट्स है या फिर मान लीजिए कोई जो छिद्र बाहर से नहीं दिखाई पड़ रहा उसकी सूचना प्राप्त करने की कहाँ पे छिद्र है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का काम कर देखता है। सिग्नल भेजने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक्स का यूज़ करते हैं। समुद्र की गहराई ज्ञात करने व छिपे पदार्थों का पता लगाने, ये एग्जाम्पल हम अभी करेंट अफेयर के साथ जोड़ के बताए। इसका फॉर्मूला भी हमने बताया कि समुद्र की गहराई कैसे नापा जा सकता है। समुद्र की गहराई नापने का यही तरीका है कि वी इक्वल टू लैम्बडा बाई टी वाला कंसेप्ट लगाइए। लैम्बडा निकालना है तो वेलोसिटी तो मालूम ही रहेगा कि किस वेलोसिटी से जा रहा है, टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम का हाफ कर दीजिएगा। टोटल टाइम कौन कि जाने में और आने में, टोटल टाइम जितना लगा होगा मान लीजिए 10 सेकंड लगा जाने और आने में, तो यहाँ 5 सेकंड यूज कीजिएगा। अच्छा वही चीज़ है सोनार वाला प्रोसेस जो मैं बता रहा था। इसके बाद है कुछ पशु ऐसे हैं विशेष रूप से कुत्ते डॉल्फिन तथा चमगादड़ प्रायशः ध्वनि को सुन लेते हैं। ये मतलब यही इन लोग स्पेशल नेचर इन लोग को दिया गया है कि डॉल्फिन्स को और चमगादड़ को और कुछ कुत्ते जो हैं वो अल्ट्रासाउंड्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स को भी सुन सकते हैं। गोल्डन विस्टल्स जिसे बजाने पर प्राशन तरंगे निकलती को बजाकर पेड़ों पर से चिड़ियों को भी उड़ाया जाता है। ये चीज़ें कपड़ों की धुलाई में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है और इससे बहुत ही उत्तम और तुरंत सफाई होती है ना। और ख़ासकर ये ऊनी जो कपड़े होते हैं उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रासरव ध्वनि के साधन से एक अंधा व्यक्ति रास्ते में बिना किसी भय से चल सकता है। इसको हमने पूरा एनालाइज किया है, बस वही कंसेप्ट लगता है कि साउंड जब जाता है, साउंड वेव जब टकराता है किसी ऑब्स्टेकल से तो उसमें रिफ्लेक्शंस होता है, तो इसमें जब रिफ्लेक्शंस होता है तो उसे पता तो चल जाता है कि सामने कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है और उस ऑब्स्टेकल्स के अवेलेबल होने के कारण वो वहाँ से टर्न ले लेता है, मुड़ जाता है लेफ्ट या राइट। नेक्स्ट है कि जिस कमरे को चोर आदि से सुरक्षित रखना होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स भर दिया जाता है, प्रसरव ध्वनि डाल दिया जाता है। जब कमरे में चोर आता है तो उसका कंपनांक बदल जाने के कारण खतरे की घंटी अपने आप उसमें जो घंटी लगाया रहता है जब उसमें डिफरेंस देखेगा जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स जो डाला था जैसे वेव्स निकलेगा तो उसमें सिग्नल प्रोड्यूस हो जाएगा और वो बजने लगता है। तो काफ़ी हमारे डेली लाइफ में इसके यूज हैं। तो ये तो हो गया स्पेशल इसके अल्ट्रासोनिक वेव्स के यूजेज और यही टोटल प्रोसेस जो होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके डेली लाइफ में, मेडिकल साइंस में, इंडस्ट्रियल पर्पज से, दैट टेक्नोलॉजी इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी अल्ट्रासोनोग्राफी जस्ट लाइक ए प्रोसेस जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है और ये अल्ट्रासाउंड से इसको डायरेक्टली जोड़ के आप देख सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी को आप चाहें तो अल्ट्रासाउंड से जोड़ के आप डायरेक्टली इसे देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आज रहा, अगर मान लीजिए अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर आ जाता है 20 मार्क्स का आता है तो आई होप इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है। पॉइंट वाइज करके इसका आंसर लिखने पे ज़्यादा इफेक्टिव बनेगा। अलग अलग पॉइंट बना लीजिए 5 से 7 पॉइंट। अगर मान लीजिए 15-16 मार्क्स का पूछा, 15-16 मार्क्स में ऐसा कर सकते हैं, 15-16 मार्क्स का है तो बहुत मिलेगा, तो 15 मिनट हार्डली मान के चलिए, तो 5 पॉइंट्स बनाइए, 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाइए। इम्पोर्टेंट पॉइंट बनाने के बाद आप जब 15 मार्क्स का रहेगा तो बहुत लिखना रहेगा, तो 150 से 200 वर्ड लिखना रहेगा। तो 150 से 200 वर्ड लिखना है तो 5 पॉइंट बनाएंगे तो बहुत करेंगे तो 25 से 30 वर्ड एक पॉइंट के लिए रखना है। तो 25 से 30 वर्ड आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाइन लिखना पड़ेगा, तो 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन कोई भी पॉइंट के लिए। जितना सारा एप्लीकेशन हमने अभी डिस्कस किया उसको डाल दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड्स पे, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे, अल्ट्रासोनोग्राफी के प्रोसेस पे हम लोग किए। जो क्वेश्चन था आके आपका फिजिक्स का, बट ये क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक में भी है और उसका इम्प्लीमेंशन यहाँ कहीं ना कहीं है। साथ में इसका बायोलॉजी से भी हमने कनेक्शन देख लिया। तो चलिए इसी तरह से हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस हम किए थे उन सबों का आंसर राइटिंग का
प्रोसेस के साथ उसका जो एक्चुअल फैक्ट्स है और जो मोस्ट प्रोबेबली बेटर आंसर हो सकता है वो कलेक्ट करके मैं जेपीएससी सीरीज में कंटिन्यू देता रहूँगा। ओके थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।